हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यूक्लियस ऑफ नॉलेज एकेडमी वे इनफिनाइट। सो आज हम जनरल साइंस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके जेके एस एस बी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे जेके एस बी एस एस बी आपका अकाउंट असिस्टेंट हो, पटवारी हो, उसके बाद आपका एसआई का एग्ज़ाम हो, जेके पुलिस हो, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये जो मेजरिंग टूल्स हैं आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट, मेजरिंग टूल्स, इनमें से आपको साइंस में एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा 1 मार्क का, राइट। तो जल्दी से हम रिवीजन करते हैं। अब आपकी रिवीजन वीडियोस आएंगी आपके जो जेके एस एस बी एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो रिवीजन वीडियो मीन्स कि जिसमें से आपका क्वेश्चन निकलता होगा तो रेगुलर वीडियोस आएंगी। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला, ये जो मेजरिंग टूल्स है ना, इससे अलावा आपको कोई बाहर से मेजरिंग टूल नहीं आएगा। और पीडीएफ के लिए आपको पता है हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें और ऐप को इंस्टॉल करें अपने मोबाइल पर। तो सबसे पहला जो आपका मेजरिंग टूल है, मतलब कि जिसका नाम है बैरोमीटर, राइट, ये तो सबको पता होगा बैरोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं। बैरोमीटर से हम प्रेशर को मेजर करते हैं। सेकंड वन इज़ वोल्टमीटर, वोल्टमीटर से हम वोल्टेज को मेजर करते हैं। थर्ड इज़ लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर से हम प्योरिटी ऑफ मिल्क को मेजर करते हैं। उसके बाद फोर्थ है आपका, दैट इज़ टेम्परेचर, और टेम्परेचर आपकी फिजिकल क्वांटिटी है तो इसको हम मेज़र करते हैं थर्मोमीटर से। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एनेमोमीटर, एनेमोमीटर से हम वेलोसिटी ऑफ विंड को मेजर करते हैं। उसके बाद सिक्स वन है आपका रिचर स्केल, राइट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिचर स्केल से हम अर्थक्विक को मेजर करते हैं। ओके, तो छोटा सा वीडियो है, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी एक रिवीजन हो जाएगी फिर से। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से हम डिग्री ऑफ ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं, राइट, डिग्री ऑफ ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। उसके बाद है स्पाइग्रोमैनोमीटर, जिससे हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है काउंटर, गीगर काउंटर, ठीक है, गीगर काउंटर से हम रेडियो एक्टिविटी को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पायरोमीटर से हम हाई टेम्परेचर को मेजर करते हैं। पीछे हमने पढ़ा कि हमारा जो टेम्परेचर है वो थर्मोमीटर से मेजर करते हैं, बट अगर बहुत ही हाई टेम्परेचर है तो हम उसके लिए हमारे पास स्पेशल इंस्ट्रूमेंट आता है, टूल आता है, जिसका नाम है पायरोमीटर। नेक्स्ट रेन गॉज से हम रेनफॉल को मेजर करते हैं। उसके बाद सिस्मोग्राफ से हम अर्थक्विक रिकॉर्डिंग करते हैं। जो अर्थक्विक की रिकॉर्डिंग होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, वो हम सिस्मोग्राफ के ऊपर मेजर करते हैं। नेक्स्ट 13, ये जो है एम मीटर, अभी रिसेंटली आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं जेके एस एस बी के, उसमें ये एम मीटर जो है आ चुका है आपका पेपर में। तो एम मीटर से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास है 14th एल्टीमीटर से हम एल्टीट्यूड को मेजर करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास आपकी जो 15th फिजिकल क्वांटिटी है, दैट इज़ अगेन एनेमोमीटर, जिससे हम वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ विंड को मेजर करते हैं, राइट। उसके बाद है हमारे पास लेगेसी मीटर से हम सेंसिटिविटी ऑफ स्किन को मेजर करते हैं, राइट। ये मे बी आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा ये, राइट। तो उसके बाद हमारे पास आता है बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। और हमारे पास एंड्रॉयड 2 ग्राफ भी होता है, जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ऑडियोमीटर से हम इम्प्रूवमेंट ऑफ हेयरिंग पावर जो होती है उससे हम यूज़ करते हैं, हम उसके लिए ऑडियोमीटर। उसके बाद है नेक्स्ट कैलोरीमीटर से हम क्वांटिटी ऑफ हीट को मेजर करते हैं कि कितनी हीट है हमारे डिवाइस में या जो भी है कहीं पे भी। तो हमें अगर हीट को मेजर करना है तो उसके लिए हम कैलोरीमीटर यूज़ करते हैं। तो कैलोरीमीटर जो है, देखो, एक है कैलोरीमीटर, एक है कॉलोरीमीटर,
ठीक है, एक कॉलर है, तो जब कॉलर होगा, कॉलर मीटर होगा, तो उससे हम इंटेंसिटीज ऑफ कलर्स को मेजर करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया, दैट इज क्रोनोमीटर। तो क्रोनोमीटर से हम लॉन्गिट्यूड ऑफ वेसल्स अवर सी को मेजर करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया इलेक्ट्रोस्कोप, डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो हम इलेक्ट्रोस्कोप, मतलब कि हमारे पास कोई भी डिवाइस है उसमें अगर हमें फाइंड आउट करना है कि क्या इलेक्ट्रिक चार्ज है उसमें, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। उसके बाद आ गया वोल्टेज डिफरेंस, तो वोल्टेज डिफरेंस के लिए हम इलेक्ट्रोमीटर को यूज़ करते हैं। उसके बाद ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डेप्थ ऑफ द ओशन। तो डेप्थ ऑफ द ओशंस जो है उसको मेजर करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, फैंथोमीटर, फैंथोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज़ गल्वेनोमीटर। अभी हमने पीछे एक पढ़ा, हमारे पास जो हम इलेक्ट्रिक करंट होती है उसको मेजर करने के लिए हम एमीटर जो है डिवाइस में लगाते हैं। अगर हमें बिल्कुल स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, अगर हमें देखना है कि क्या इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे पास करंट है स्मॉल, क्या थोड़ी सी भी उसमें करंट है, तो उसके लिए हम कौन सा डिवाइस लगा देते, डिवाइस में कौन सा टूल लगा देते हैं, गल्वेनोमीटर, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर से हम रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड्स को मेजर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया हाइग्रोस्कोप। तो हाइग्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, चेंज इन द एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी। तो हाइग्रोस्कोप से हम अगर चेंज हो रहा है ह्यूमिडिटी में, तो उससे हम मतलब कि हम हाइग्रोस्कोप से उसको मेजर करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है हमारे पास टूल, उससे हम डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ लाइट करते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेलिनिटी ऑफ वाटर। तो सेलिनिटी ऑफ वाटर जो है हम सेलिनोमीटर से मेजर करते हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास स्पेक्ट्रम एनालिसिस। तो स्पेक्ट्रम एनालिसिस जो है हमारा स्पेक्ट्रोस्कोप से हम मेजर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास, ये तो आपको पता ही होगा कि हम जो हार्ट बीट होती है उसको मेजर करते हैं, या लंग्स की जो साउंड होती है वो हम स्टेथोस्कोप से मेजर करते हैं, राइट। उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर जो होता है उसको मेंटेन करने के लिए हम जो हमारे पास सर्किट होता है उसमें हम थर्मोस्टैट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद 33rd जो हमारे पास है, दैट इज़ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो है उससे हम एम्पलीफिकेशन जो है करंट को जो है उसके साथ यूज़ करके हम एम्पलीफिकेशन ऑफ करंट करते हैं, राइट। उसके बाद 34th जो आपके पास जो मेजर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वो हम वोल्टामीटर के साथ यूज़ करते हैं, जिसको बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस भी बोला जाता है, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम वोल्टामीटर का यूज़ करते हैं, राइट। ये क्वेश्चन भी अभी GKSSB एग्ज़ाम में आ चुका है। उसके बाद आ गया हमारे पास फ्लो ऑफ एयर। तो फ्लो ऑफ एयर जो है वो हम मेजर करते हैं एरोमीटर से। किससे हम मेजर करते हैं, एरोमीटर से। उसके बाद नेक्स्ट जो है रेडिएंट एनर्जी। तो रेडिएंट एनर्जी जो है वो हम रेडियोमीटर के साथ मेजर करते हैं। नेक्स्ट जो है 37, कन्वर्जन ऑफ रेज इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रेडियोग्राफ। जो लास्ट आपका 38th है, जो आपके पास टूल है, दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो है वो हम लूसी मीटर के साथ मेजर करते हैं। तो गाइज, ये था आज का आप छोटा सा एक वीडियो, जिसमें आपको रिवीजन जितने भी आपके यूनिट्स हैं, मेजरिंग टूल्स हैं, यूनिट्स तो मैंने आपको शेयर कर दिया था। तो मेजरिंग टूल जो हैं, इनमें से ही आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये छोटा सा रिवीजन, और अगर आपको कोई और किसी टॉपिक का वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सर ये वाला वीडियो चाहिए। तो हम अभी जो है मोस्टली हम क्या करेंगे, रिवीजन वीडियोस लाएंगे आपके लिए, राइट, ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। जनरल साइंस का आपका PDF है,
तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें और हमारा जो ऐप है उसको भी इंस्टॉल करें, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। और जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी लेके आऊँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे एवरीडे विद साइंस एमसीक्यूज मटेरियल जो भी है सब कुछ मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा जितना भी पीडीएफ बनाया है ये। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर और सब्सक्राइब तो आपने करना ही है चैनल को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।